एसटीएफ से मुठभेड़ हुई, किस तरह का बदमाश मारा गया है, क्या पूरी जांच की है, कितने राउंड गोलियां यहां पे चली हैं? देखिए, आज ये जहां पर हम खड़े हैं यहां पर एसटीएफ की बनारस टीम और हेडक्वार्टर टीम, जो कि राजेश सिंह साहब हैं हमारे एडिशनल एसपी साहब, इनके नेतृत्व में एक मुठभेड़ हुई है। और सूचना मिल रही थी बनारस एसटीएफ की बनारस यूनिट को कि इस बदमाश की, और यहाँ की टीम और बनारस की टीम दोनों इसे चेज कर रही थी। यहाँ पर आकर ये पेड़ से गाड़ी इनकी टकराई है, जहाँ आप देख रहे हैं, और इसमें पांच बदमाश थे, और इनके द्वारा बदमाश द्वारा गाड़ी टकराई गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बदमाश का नाम हनुमान पांडे उस राकेश पांडे है, और ये शातिर बदमाश है और मुख्तार अंसारी का शातिर शूटर है, और इस पर 25,000 के दो स्थानों से इस पर इनाम बताए गए हैं, बाकी इसका तस्दीक किया जा रहा है। हॉस्पिटल ले जाने पर इसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। कितने राउंड गोली चली टोटल? देखिए, ये तो अभी हम बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी हम मौके पर आए हैं और अपनी टीम से पूरी बात करेंगे, उसके बाद ये बात बता पाएंगे। और चार लोग थे, वो मैंने बताया नहीं, पांच लोग थे, चार लोग इसमें से मौके का फायदा उठाकर, देख रहे हैं आप ये बराबर में नाला है, वहाँ से मौके का फायदा उठाकर भाग गए। थैंक यू।